प्लट लो एनसीईआरटी के पन्ने विद हैदर सर, है ना। लास्ट मोमेंट है, हो सकता है कि 11 PM के पहले खुलूँ मैं पहले अगले दिन क्लासेस जो है, क्योंकि बहुत खत्म पूजा पाठ हो करके आया हूँ, जाए। ठीक है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत पूजा पाठ करके आया हूँ बेटा, कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना याद रखिएगा। तो बहुत दिमाग से एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। होती है एनाकार्डियसी होती है, सबको पता है, ठीक। इसके बाद बच्चों ये वाला चार्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चंस यहाँ से भी बच्चों आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा बताइए मुझे, हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताइए फटाफट, हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताइए। सपिंडेल्स सबको, डिप्टेरा, सॉरी सॉरी, डिप्टेरा होता है, सपिंडेल्स किसका होता है बच्चों। सपिंडेल्स ऑर्डर किसका होता है, ऑक्सीजन निकलती सपिंडेल्स है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट होते हैं। इसमें हम लोगों ने बताया था, नाना पढ़ा था, नाना नौ स्टॉक अनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन आलोसीरा कर देते, हेटरोसिस्ट पाई जाती है। एनवायरमेंटल में नाइट्रोजन कितनी थी, 78%। जब 78% नाइट्रोजन एनवायरमेंट पाई जा रही थी, तो बच्चों ये लोग क्या कर देते, उसको हेटरोसिस्ट का मतलब होता है कि वो नाइट्रोजन को पकड़ के क्या कर, किसमें कन्वर्ट कर दे। अब बताओ नाइट्रोजन से क्या क्या बनता था, तुमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था, नाइट्रोजन से अमोनिया बनी, अमोनिया से क्या बना बच्चों, नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बना बच्चों, नाइट्रेट। पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, पक्का बता रहा हूं, यहां से आएगा, ठीक है ना। बताओ ये कौन कौन से बैक्टीरिया कराते हैं, बताओ यहां से, कि जब नाइट्राइड में कन्वर्जन, दो बैक्टीरिया पढ़ा होगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये वाला कौन कराता है, नाइट्रोबैक्टर। एक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट से अगेन नाइट्रोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन कौन कराते हैं, थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, ये वहां का पार्ट मैंने पढ़ाया, पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको टकराएगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे, इसके बाद हम लोग बच्चों बैठते हैं, दूध से दही बैक्टीरिया बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, पता ही होगा, विटामिन B12 बढ़ा देता है। विटामिन B12 का फंक्शन क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाई फिजन, समटाइम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पढ़ा होगा, ठीक। क्लोरोफाइट से खाना किसमें, क्लोरोफाइट से बताओ बच्चों खाना किसमें स्टोर होता है, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। ब्राउन एल्गा का खाना किसमें स्टार होता है, लैमिनेरिया और मैनिटॉल, पढ़ा होगा, ठीक। क्लोरोफाइरोफाइट से खाना किसमें, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, यही पिछले साल पूछा था, ठीक है ना, पिछले साल इससे आ चुका है। और रेड, इसके एग्जांपल बताओ, बताओ क्लोरोफाइट से के एग्जांपल कैसे बताए थे, C2USV, क्लोरोफाइट से कैलमाइड बनास लो 3-Cysparoguiera और वॉलवॉक्स, इसके एग्जांपल्स मैंने कैसे बताए थे तुम लोगों को, सेल्फ सेल्फ डो क्या बताया था, सेल्फ डो सर गैस मिक्टोकार्पस लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, इसके एग्जांपल्स क्या बताए थे, पकौड़े गरम बेटा कल ही करना है, ठीक है ना। पोरफायरिया जेलिडियम पॉलीसिफोनिया ग्रेसिलेरिया, पकौड़े गरम हम लोगों को कल ही करना है, ठीक है ना बेटा, पकौड़े गरम कल ही करना है, ठीक है ना। सेल्फ डो एकदम कॉन्फिडेंस हाई रखना हमें, सर गैस मिक्टोकार्पस लैमिनेरिया फ्यूकस फ्यूकस एफ से फ्यूकस एफ से फूकना, उसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, अगर पूछा गया तो एयर ब्लैडर कहां प्रेजेंट होता है, तो बताना कि फ्यूकस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और बताओ एयर सैक कहां पाए जाते हैं, बर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा सभी को। चलिए सिलवाल की बात कर लें, इनर सेल्युलोज सभी के होमोस्पोरस होते हैं बच्चों, ये लोग जो है कहां आए थे, पॉन्ड के आसपास रह रहे थे, यानी ये वहीं पाए जाएंगे जहां पे क्या होगा बच्चों, नमी होगी, मॉइस्चर होगा, बैंक ऑफ रिवर होगा, ट्रीज होंगी, और ये लोग सोच रहे थे कि हम वहां से मूव कर जाएं, लेकिन इनका जो है मेल गैमेट का ट्रांसफर किससे हो रहा था, वाटर के थ्रू हो रहा था, इस वजह से लोग जा नहीं पाए। ट्यूडोफाइटा में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहां पे होमोस्पोरस कंडीशन और हेटरोस्पोरस कंडीशन दोनों होती है, जबकि यहां पे हेटरोस्पोरस की बात करूं तो मैं याद रखना मास मार्शिलिया एजोला सेलेजिना साल्विनिया, ये दो ना भूलना, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सेलेजिना साल्विनिया, यही दो हेटरोस्पोरस होते हैं, बाकी ये बच्चों हेटरोस्पोरस होगा और ये भी होता है हेटरोस्पोरस होता है। अगर क्वेश्चन बने तो बहुत ही कंसेप्चुअल से बनेंगे, क्योंकि जिसको लाइफ साइकिल क्लियर हो, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूं, होमोस्पोरस होमोस्पोरस, लेकिन अब यहां पे हेटरोस्पोरस शुरू हुई तो दो चार हेटरोस्पोरस आ गए, लेकिन उसके बाद से सारे सारे हेटरोस्पोरस थे, इनकी बॉडी एन टू एन टू एन टू एन थी, और यहां पे जो है स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट बनते, फूड सीरा कैप्सूल सुना होगा तुमने, है ना, वो डिपेंड कर रहे थे किस पे, गैमेटोफाइट पे। यहां पे बच्चों दो, इन लोगों ने कहा कि हमारे पास इतनी दम है कि हम अपना खाना अपना पानी बना सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, खुद पर डिपेंड हो गए। ये वाले जो थे बच्चों, इस पे मामला उल्टा हो गया था पहले की अपेक्षा, क्लियर बात कि नहीं, लोगों को याद आ रहा है, डीसीसी डिप्लोब्लास्टिक सीलेंटेटा टीनोफोरा, डीसीसी 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 डिप्लोब्लास्टिक सीलेंटेटा टीनोफोरा, कितने लोगों को याद आ रहा है बेटा, डकारा डकारा, कितने लोगों को याद आ रहा है, डकारा डकारा। डाइजेशन शुरू हुआ कहां से बच्चों, एस्के हेलमेंथीस से। सर्कुलेशन कहां से शुरू हुआ, एनेलिडा से। रिस्पायरेशन कहां से शुरू हुआ, आर्थ्रोपोडा से। कितने लोगों को याद आ रहा है बच्चों, पापा, ये पिछले साल आया था पापा, प्लेटी हेलमेंथीस, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, एस्के हेलमेंथीस, पॉलीफेरा वाला सब है, ठीक है ना, पॉलीफेरा वाला सब आ जाते हैं। अब बताओ डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ दो हो गए तुम्हारे, डिप्लो बाकी सारे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना, पापा, प्लेटी हेलमेंथीस, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, एस्के हेलमेंथ, प्लेटी हेलमेंथ के पहले कौन कौन आ रहा है, पॉलीफेरा, ये सब क्या हो जाएंगे सारे के सारे, एसिलोमेट हो जाएंगे। सिलोमेट में तुमने पढ़ा था सी स्क्वायर ए स्क्वायर महक, ए स्क्वायर महक पढ़ा था, ए स्क्वायर महक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकोंड्रोमेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, सिलोमेट होते हैं। तुमने एक और पढ़ा था बेटा, हमने बताया था डकारा, समझ आ गया। अब उसके बाद हमने बताया था बच्चों गेम
गेम PECC जनरली मैराइन पोरी फेरा आल मैराइन इकामेंडर मेटा मोस्टली मैराइन इंसिडेंटेड एक्सक्लूसिव मैराइन टीनोफोरा नहीं समझ पाए जनरली मैराइन। यहां से बेटा ये क्वेश्चन यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद पोरी फेरा बताओ जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहां पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकामेंडर मेटा वाटर कैनाल सिस्टम पोरी फेरा ऑस्टिया स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम याद आ रहा है माइनिट पोर्स क्या बोलते हैं ऑस्टिया स्पॉन्जोसील बीच की हड्डी ऑस्कुलम से बाहर, ठीक है ना। इंटरनल फूड इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहां होता है बेटा पोरीफेरा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं पोरीफेरा की सेगमेंटेशन सबको पता है। आओ अब काटें आओ यानी एनेलिडा आर्थ्रोपोडा काटें कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन होता है। आओ अब काटें सेगमेंटेशन है ना ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें होता है एनेलिडा में। बताओ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स, अच्छा पॉली प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली ये सही है या पॉली प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली और मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली पहले वाला सही था ना। ओबेलिया में ओबेलिया का नाम सुना है सीफर बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं या मेटास्टेसिस मेटाजेनेसिस बोलते हैं बच्चों या मेटास्टेसिस मेटाजेनेसिस कहेंगे या मेटास्टेसिस कंडीशन मेटाजेनेसिस कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर में होता है ना कैंसर कंडीशंस, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों फिजिक्स की अदा में गोरापन इसके अलावा फाइडेलिया प्रोड्यूस मेनाफा अदा एडेमसिया सी एनिमोन फिजिक्स की अदा में यानी मेंड्रिना बेर का गोरापन गोरगोनिया सी फाइन पेनाटुला सी पेन याद आ रहा है। इसके बाद प्लेटी हेलमिंथीज की बात करें फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं इसे प्लेटी हेलमिंथीज में फिल्म सेल्स पाई जाती हैं मोस्टली इंडोपैरासिटिक फैमिली में बेटा आप लोग पढ़ के जाएगा लिली अगर लिली लिली आएगा तो थ्री 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 उसके मतलब फार्मूले में थ्री थ्री आएगा अगर पी से पोटैटो पी से पाँच 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 इसके फार्मूले में पाँच 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 आएगा, ठीक है ना। अब मुझे जहां तक लगता है कि इस साल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लिलियसी फैमिली से आएगा पोटैटो फैमिली से बहुत बार आ चुका है और इसके सबको मुझे मेरे ख्याल से निमोनिक्स याद होगा जिस दिन से आई फैशन पाजी से मुक्सोया फसाल मेरा माया फसाल मेरा माया याद है कि नहीं जिस दिन से आई। अब बताओ जाइलम में सारे के सारे मोस्टली डेथ सब कुछ डेथ जाइलम में क्योंकि जाइलम को हाई प्रेशर झेलना पड़ता था तो थिक वॉल थी। ट्रैकीट्स की बात करें वेसल्स की बात करें जाइलम पैरेंकाइमा जाइलम फ्लोएम जाइलम पैरेंकाइमा सिर्फ लिविंग बाकी सारे के सारे डेथ। अब ट्रैकीट्स के में हमने बताया तुम्हें टेल्ट टेल्ट बताया था ट्रैकीट्स टी से थिक टी से टैपरिंग इलांगेटेड होगी है ना लॉन्ग होगी ट्यूब लाइक होगी बताया था। ट्रैकीट्स और वेसल्स फ्लावरिंग प्लांट्स में पानी ले जाने का काम बहुत झमाझम करते हैं है ना स्पेलिंग से स्पेलिंग मिल गई तो हाँ इंटरनेट में होती है सबको पता है ना। चलिए अब एक चीज बताओ सीट्यूब सेल के अंदर बच्चों न्यूक्लियस एब्सेंट आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट तो प्रेशर को कौन मेंटेन करता है बताओ कंपेनियन सेल्स के प्रेशर को कौन मेंटेन सीट्यूब सेल्स करती है ये बात याद रखिएगा। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू से कोई क्वेश्चन सर को अगले दिन ठीक जो है अगला क्वेश्चन और जो है स्कैटर्ड किसमें होगा मोनोकॉट में होगा बाकी तुमने डाइकॉट में सर पूरा पढ़ा देना हाँ हाँ पूरा बिल्कुल पढ़ाएंगे एकदम बस सुनते जाओ तुम लोग जहाँ भी हो क्वेश्चन ना आया तो दौड़ा लेना है सर को अगले दिन ठीक जो है अगला क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा बताओ पैलिसेड पैलिसेड जो है अपर डॉर्सल होती है वेंट्रल तो बताना डॉर्सल होती है ना पैलिसेड पढ़ा था और क्या पढ़ा था स्पॉन्जी पढ़ा था। डाइकॉट जो है लीफ में ये क्या होती है ब्रेक होती है उसके बाद तुमने पढ़ा कि जो नीचे वाली होती है स्पॉन्जी इसमें एयर कैविटी होती है क्यों ना एयर कैविटी हो क्योंकि एयर तो स्टोमेटा जो होते हैं मोस्टली वो कहाँ पाए जाते हैं वेंट्रल सर्फेस पर पाए जाते हैं स्टोमेटा लाइट से डरते हैं तो वो पोर बनाएंगे ना तभी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकल पाएंगे ये आपसे पूछा जाएगा किसके बने होते हैं मेसोफिल सेल्स के बने होते हैं रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये आएगा डाइकॉट सिस्टम लगाना। स्कैटर्ड में बात करते हैं अब बताओ आउटर एपिडर्मिस डिवाइड किया आउटर में हेक्सागोनल सेल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बनाएंगे फिल्म बोलते हैं सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं फिल्म बोलते हैं क्या बोलते हैं फिल्म या कार्क क्या बोलते हैं बच्चों फिल्म फिल्म क्या बोलते हैं फिल्म ठीक फिल्म को ही हम लोग बोलते हैं कार्क देखो छोटा नाम छोटा छोटा फिल्म कार्क। अब इसके अंदर क्या होती है बच्चों ये होती है फेलोजेन यही फेलोजेन देखो फेलोजेन जी से जनरेट करना नई नई सेल को जनरेट करना कौन कराता है फेलोजेन फेलोजेन आउटर साइड में जब डिवाइड करती है तो बनाती है फिल्म और कार्क ठीक है ना। अंदर की साइड में स्टील समझाओ प्लीज स्टील तो बहुत आसान है बेटा जो है पेरी पानी पास से चुराए ठीक खैर अभी बता देते हैं फेलोजेन अब अंदर की साइड में जब डिवाइड करती है तो क्या बनाती है बच्चों क्या बनाएगी फेलोडर्म क्या बनाएगी फेलोडर्म इसी तीनों को मिला दो तो कहते हैं पेरीडर्म ये सवाल पूछा जा सकता है ठीक है ना। आउटर फिल्म कॉर्क फेलोजेन फेलोडर्म ठीक है तीनों को मिला दे तो कहते हैं पेरीडर्म ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रखनी चाहिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब बताओ तुमको ये बात पता होगा कि ये चीज और जो अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का वो बता दो 1 2 2 1 प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम कॉर्क एम्बियम ये 1 2 2 1 जरूर याद रखना बेटा 1 2 2 1 प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम। अब अंदर की तरफ जाइलम है तो मोनिक्स अपनी ही याद रखें ठीक है जो पहले याद किया कहीं ना कहीं नहीं तो कंफ्यूजन होगा ही होगा ठीक है ना। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स गिनवा दो सारे के सारे तुम्हें पता है। अब चलो छोड़ो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से सवाल आ सकता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में तुम नाम गिनवाओ क्या क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ होता है ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा ठीक है ना। अब हर जगह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर इन दोनों में बात किया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हर जगह 1.4 पोजीशन पे होता है एक ऐसी जगह एस से सुक्रोज एस से सेकंड 1.2 पोजीशन पे पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि 1.2 पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती, बाकी हर जगह 1.4 पे। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ सुक्रोज में कितने पे, तुमने कहा 1.4। मैंने कहा लैक्टोज पे कितने पे, तुमने कहा 1.4। मैंने कहा बताओ माल्टोज में, तुमने कहा 1.4। सेलुलोज पे 1.4, स्टार्च 1.4, ग्लाइकोजन पे 1.4। पूरी केमिस्ट्री में ये दो ही स्ट्रक्चर ऐसे जो हाईली ब्रांच होते हैं, हाईली ब्रांच 1.6 पे काम होने वाला है तुम्हारा। सेल साइकिल में मैं कुछ ना पढ़ाऊं, मैं तुम्हें जो बता दूं वो आएगा। मैं बता रहा हूं मियोसिस, मियोसिस पढ़ के जाना। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट पढ़ लो, सुन लो क्या आएगा माइटोटिक में। एक बार जल्दी जल्दी देख लो, ये है बेटा हमारे पास साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं जीवन, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं G2, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोटिक। मान लो अभी, अब यहां तक के पीरियड को हम लोग बोलते थे क्या बेटा इंटरफेस बोलते हैं, इसको एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन फेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वन क्रोमोसोम वन क्रोमैटिड, हमेशा क्रोमोसोम का नंबर सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बताओ यहां पे सेंट्रोमियर कितना है बेटा, एक, तो क्रोमोसोम एक, क्रोमैटिड एक। नहीं समझे, हाय 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 हाय, यहां पे बच्चों बताओ क्रोमोसोम कितने, एक, क्रोमैटिड कितने, एक, बताओ सेंट्रोमियर कितने, एक। जीवन फेस पे जैसे ही एस फेस में आया बेटा, तो एस फेस में यहां पे डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल। डीएनए का अमाउंट डबल एस फेस में, न्यूक्लियस में सेंट्रियोल का डबल कहां डुप्लीकेशन होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में, हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होता है डीएनए, तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। अब यहां पे क्या होता है जीवन फेस में बेटा, सब कुछ सारी एक्टिविटी जीवन फेस में, खा पी के तगड़े हो जाएंगे, इसमें जो है रिप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ यहां पे हो जाएगी। और चेकअप कहां होता है सेल का, जीवन में, क्योंकि सेल का चेकअप होता है पहले कि अगर ये ठीक ठाक है तभी ये स्पेस में इंटर किया जाएगी, अगर इसके डीएनए म्यूटेट कर गया है तो उसको इजाजत नहीं मिलती है कि तुम सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। अगर कुछ सेल इसकी इनएक्टिव हो जाती है, जब इनएक्टिव होती है तो वो चली जाती है जी नॉट फेस में, तो ये पूछेगा कि जी नॉट फेस में कहां से जाती है, तो बताना एम से ना बता देना जो पिछली बार बता के आए थे, जीवन से किस में जाती है, जी नॉट में। अब सेल के पास तो दो ही ऑप्शन थे, या तो एस फेस में इंटर कर जाए या तो जी नॉट में चली जाए। जी नॉट में गई तो इसको बोलते हैं क्यूसेंट फेस, हार्ट सेल हो गई, न्यूरॉन सेल्स हो गए तुम्हारे, है ना, उसमें डिवाइड नहीं करेगी, मल्टीप्लाई नहीं करेगी। अब यहां पे सुनो तुम, यहां पे बच्चों वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन यही तो समझना है बेटा तुमसे पूछेगा यही। अब बताओ जी टू फेस में भी सेम होगा, जैसे ही माइटोटिक डिवीजन हुआ दो सेल बनी। अब बताओ तुम, मैंने बताया था माइटोटिक डिवीजन में दो चीज है, जब जब माइटोटिक डिवीजन होगा एक सेल से कितनी सेल बनेगी, दो सेल, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होगा, क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्रोमोसोम रिमेन सेम, डीएनए का अमाउंट पेरेंट से हाफ हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट पेरेंट से हाफ हो जाएगा। ये बात बताया था मैंने तुम्हें कि डीएनए का अमाउंट पेरेंट से हाफ, क्रोमोसोम रिमेन सेम होंगे, है ना, क्रोमोसोम रिमेन सेम, डीएनए का अमाउंट हाफ, ये माइटोटिक डिवीजन की बात हो रही है। मियोसिस में कितने सेल बनते हैं, तो यहां पे अब तुम बताओ क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि क्रोमैटिड को ही यहां क्रोमोसोम कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है, क्रोमैटिड को। अब उसके बाद अगर मियोसिस हो रही है तो मियोसिस में क्या होता है बच्चों, एक सेल से मियोसिस फर्स्ट हुई दो सेल बना, फर्दर मियोसिस सेकंड करा दिया तुमने। सबको पता है कि सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, देन साइटोकाइनेसिस होती है, केसी पहले कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, एक सेल ये ये बन गए। अब बताओ एक सेल से चार सेल का बनना मियोसिस, नहीं समझ पाए, मियोसिस सेकंड आल्सो कॉल्ड माइटोटिक डिवीजन, एक सेल से चार सेल का बनना मियोसिस, इसमें क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ। तुमने पढ़ा है कि अगर ये 2n है तो ये n हो जाएगी और ये भी n हो जाएगी, तो बताओ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं कि नहीं, यहां पे डिप्लोइड है यहां पे हैप्लोइड है, तो तुमने पढ़ा ही है। अब ये भी तुमसे पूछ लिया जाएगा, बताओ क्रोमोसोम हाफ कहां होते हैं, मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकंड, तो तुम्हें बताना है कि बताओ हाफ कहां हो गए, यहां हो गए ना, तो कौन सी प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट में हाफ हो जाते हैं। लेकिन डीएनए का अमाउंट अगर तुमसे पूछे तो बताना 1/4 होंगे पेरेंट सेल के, नहीं समझ पाए, यही तो खेल चलेगा वहां। तो फेस में इन लोगों ने क्या बना लिया बच्चों, वन क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हुआ। अब बताओ उसके बाद मेटाफेस आया, तो मेटाफेस में बस एक जुमला तुम्हें बताना है मुझे, मेटाफेस में आया क्रोमैट, यहां पे सेंट्रियोल्स हैं, अब यही उसके बाद एनाफेस आएगा, तो बताओ एनाफेस में क्रोमोसोम अलग होते हैं या क्रोमैटिन, ये बता दो बस, यही तुमसे पूछा जाएगा वहां कि क्रोमैटिड का सेपरेशन किस में होता है, तो बताओ इसको मैं अलग कर रहा हूं, एक क्रोमैटिड कितने हुए, दो, तो बताओ यहां पे एना फेस में ये क्या होते हैं बच्चों, ब्रेक हो जाते हैं, जब ये ब्रेक होंगे तो यहां पे क्रोमैटिड का सेपरेशन, तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्रोमैटिड का सेपरेशन कहां होता है, तो तुमको बताना है कि माइटोसिस के एना फेस में और कहां, मियोसिस सेकंड के एना फेस सेकंड में, हाय 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 हाय, वहां अभी मैं ले चल रहा हूं तुम्हें, अभी मैं ले चल रहा हूं वहां। तो ये पहला क्वेश्चन कि क्रोमैटिड का सेपरेशन कहां होता है, ठीक बता लोगे ना आप। अब दूसरा सुनो, ये तो खेल खत्म हो गया, बाकी चीज दूसरा सुनो, अब उसमें हम लोग चलें मियोसिस में। पहला सबको पता है कि प्रोफेस तुमसे पूछा जाएगा बेटा, प्रोफेस में तुमने पढ़ा होगा लता जरा पानी दे दे, लेप्टोटीन जरा यानी जायगोटीन, लेप्टोटीन लता जरा पानी दे दे, पैकीटीन लता जरा पानी दे दे, डिप्लोटीन
डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। डिप्लोटीन, लता जरा पानी दे दे बिना सनम के, किस्मत टेढ़ी, बिना यानी बीन, सनम यानी बच्चों सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बिना सनम के यानी बच्चों क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, बिना सनम के किस्मत, किस्मत यानी कियाज मेटा फॉर्मेशन, बिना सनम की किस्मत टेढ़ी यानी टर्मिनलाइजेशन, क्या होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज मेटा। लता जरा पानी दे दे सबको याद है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है आएगा। अब यहां के क्वेश्चन सुन लीजिए तुम लोग, बहुत अच्छे से सुनिए। अब यहां पे क्या था कि प्रोफेज फर्स्ट, ये देखिए क्रोमोसोम एक मेल, ये बच्चों फीमेल का है ना, मेल फीमेल आपस में आए, फर्टिलाइजेशन किया। अब ये क्या होगा बच्चों प्रोफेज, फर्दर प्रोफेज के लेप्टोटीन स्टेज में, फर्दर ये जायगोटीन में जाएंगे, जायगोटीन में क्या बनेगा बच्चों, इनका जोड़ा बनना शुरू होगा, जायगोटीन में जोड़ा बना तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ। तो अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन बाइवेलेंट बोलेंगे, वन बाइवेलेंट इज इक्वल टू टू क्रोमोसोम कह सकते हैं, टू क्रोमोसोम इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर क्रोमेटिड, देखो एक क्रोमेटिड बेटा, दो क्रोमेटिड, तीन क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड है ना, तो वन बाइवेलेंट इज इक्वल टू टू क्रोमेटिड, फोर क्रोमोसोम, फोर टू क्रोमोसोम, फोर क्रोमेटिड, इसी को हम लोग बोलते हैं वन टेट्रावायलेंट। क्या बोलेंगे, वन टेट्रावायलेंट, क्या बोलेंगे बेटा, वन टेट्रावायलेंट बोलेंगे हम लोग इसको। तो यहां पे तुमसे पूछा जाएगा बताओ सिनेप्सिस कहां हुई, जहां से जायगोटिन, जहां से जोड़े बने, एल से लेप्टोटीन, एल से लिपटे हुए हैं यानी कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है ना, जायगोटीन में जोड़े बन गए, पाइकिटीन में। अब ये भी पूछा जाएगा बाइवेलेंट कहां, एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम, दो, तो उसने कह दिया कि बताओ 24 बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम, खट से बताना 48, पूछ लिया क्रोमेटिड बता दो अब इसी बात पे, फट से दो से गुणा करो इसको, कितने हो जाएंगे 96, नहीं समझे, यही सब तो बेटा समझना है तुम्हें, ठीक है ना। अब उसके बाद कहेगा पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में तुम्हें पता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, क्या होती है बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। अब सुनना पैकेटिन में क्या होता है, सुनिए फटाफट सुनिए, पैकेटिन में क्रोमोसोम ये दो मेटाफेजिक प्लेट बनी, तो बताओ एनाफेज जब आएगा तो एनाफेज में ये यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे, बताओ इसमें अभी भी क्या है, वन क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड, वन क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड। अब यहां से शुरू हो गया कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस सेकंड, आल्सो नोन एज माइटोटिक डिवीजन। अब बताओ फर्दर, फर्दर यहां पे तो क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, एना मियोसिस के एना फेस में क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, जबकि माइटोसिस के एना फेस में क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। अब यहां पे तुम बताओ सेम कंडीशन माइटोसिस वाली आ गई, तो अब जब ये एना फेस, ये मेटा फेस में आ जाएंगे यहां वाले, तो एक माइक्रोट्यूबल्स यहां से, एक यहां से, तो अब बताओ ये जब सेपरेट होंगे एना फेस में, अगेन क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, क्या सेपरेट होंगे, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे बेटा, इसलिए मैंने लिखा था कि क्रोमेटिड का सेपरेशन एना फेस सेकंड में भी होता है मियोसिस के और माइटोसिस के एना फेस में। चलिए यही क्वेश्चन आएगा पक्का, ले जाइए आप लोग, मिल गया आप लोगों को जो चाहिए था। अब हम लोग आते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स, अब हम लोग आते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स में पहले चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, प्लाज्मोलिसिस, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यहां से भी कुछ नहीं आएगा। CO2 से बाइंड नहीं करती तो C3 साइकिल नहीं चलेगी, पांच कार्बन इसमें होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगी तो C2 साइकिल चलेगी, पिछली बार ये आया था, इस साल नहीं आएगा, इस बार C3 या C4 से आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। Mg+2 जो होता है बच्चों, रिबिस को पढ़ लिया तुमने, फास्फो पीपी में बच्चों कितने कार्बन होते हैं, पेप्टेज एंजाइम, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहां बनता है, रब पे कर विश्वास, तीन कार्बन होते हैं, ठीक है ना, तीन कार्बन होते हैं, CO2 से कंबाइंड होगा तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा, चार कार्बन के मॉलिक्यूल्स तो हम लोग बोलेंगे C4 साइकिल चल रही है, नहीं समझ पाए, ठीक। चलिए बच्चों अमोनिया कन्वर्ट होती है किसमें, नाइट्राइट में, बैक्टीरिया का नाम नाइट्राइट, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया का नाम, यही नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया का नाम, ठीक है ना। तो बताओ इसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस होते हैं, इसमें नाइट्रोबैक्टर होते हैं, इसमें थियोबैसिलस होते हैं, स्यूडोमोनास होते हैं, याद आ गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ राइजोबियम वाला, राइजोबियम जो होता है बच्चों लिग्युनस प्लांट में क्या होता है, बहुत भयानक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसमें मल्टीपल सीक्वेंस होते हैं बच्चों, सबसे पहले ये क्या करता है रूट हेयर सेल्स के पास आता है, रूट हेयर सेल से बाइंड करता है, धीरे धीरे सुनो, ये है बच्चों पीएस सेकेंड प्राइमरी एक्सेप्टर जिसका नाम होता है बच्चों फियोफाइटिन, यहां पे साइटोक्रोम, एक मिनट अभी याद आ जाएगा, प्लास्टो, हाँ याद आ गया, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन पढ़ा होगा, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, यहां पे क्या होता है बच्चों साइटोक्रोम, फिर से बता दे रहा हूं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तुमने पढ़ा होगा है ना, PC पढ़ा होगा, उसके बाद आता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, क्या आता है बच्चों फोटोसिस्टम फर्स्ट, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा मेरे ख्याल से, ज्यादा इधर बन गया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट बनता है बच्चों, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन कहो या फेरेडॉक्सिन कहो या फेरेडॉक्सिन कहो। अब कहानी सुनना, अभी बेटा ऑफलाइन नहीं, अभी ऑनलाइन की बात करो, अभी इन लोगों का एग्जाम है, अभी रुक जाओ, अब यहां पे सुनना बहुत दिमाग लगा के, लाइट चली
ठीक, पीएस सेकंड है बेटा फर्स्ट, यहीं पे पानी पे गिरी, पानी टूटा, इलेक्ट्रॉन इसके क्या हुए, रिलीज हुए, दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो 4H प्लस होंगे, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितना बनेगा बच्चों, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही लाइट चली कितने की चलती है, 680 nm की चलती है बेटा, ठीक है ना, लाइट चली, पानी पे गिरी, पानी टूटा, इलेक्ट्रॉन छटके एच प्लस छटका, ऑक्सीजन रिलीज हुई, डिफ्यूज हो गई एनवायरमेंट में, अब यही इलेक्ट्रॉन जो है कौन ले लेता है, पीएस सेकंड, पीएस सेकंड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पास किया, किसको, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन कौन है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइन, उस पर भी लाइट आती बच्चों, कितने की 700 nm की लाइट गिरी, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन छटके, फेरोडॉक्सिन ने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहां पे बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADPH2 से क्या बन जाता है, NADPH का फॉर्मेशन, NAD का फॉर्मेशन नहीं होता है, P से फोटोसिंथेसिस, P से NADPH2 आता है, रिस्पायरेशन की बात हो तो NAD आएगा, NADH आएगा, ये बात याद रखना, NADH और NADP, P से फोटोसिंथेसिस, NADPH2 फोटोसिंथेसिस में आएगा, है ना, ऐसे बैठा रहना, अब बताओ यहां से बताओ, अब ये सारे के सारे H+ किस में, ल्यूमेन में जाके एक्युमुलेट होते हैं ना, जब ल्यूमेन में भर जाएंगे तो फिर कौन सी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होगी, इलेक्ट्रॉन पास आउट किए जाएंगे, ATP बनेगी, है ना, प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलप होगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो चले, तो तुमसे सवाल ये पूछा जाएगा बच्चों, ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है, पीएस सेकंड भी, पीएस वन भी, पीएस वन किस लाइट पे एक्टिव होता है, 680 पे, पीएस वन को कितनी लाइट चाहिए, 700 nm चाहिए, कहां पानी टूटा तो बताना, कि पानी टूटा पीएस सेकंड पे, क्या पानी टूटा पीएस वन पे, ना बाबा पानी नहीं टूटा, और यहीं पे तो बनती है एटीपी, एडीपी से क्या बनती है बच्चों, एटीपी बनती है, तो यह लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एडीपीएच बनते हैं, यही डार्क रिएक्शन में तो यूज होते हैं, इसके बाद बच्चों साइक्लिक रिएक्शन की मैं बात करूं तो साइक्लिक रिएक्शन में PS1 इन्वॉल्व होता है, PS1 चला, फेरोडॉक्सिन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोबारा मुड़ के यहीं आ गया, बताओ लाइट कितनी चाहिए, 700 nm, साइक्लिक है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें भी बच्चों एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, एडीपी से क्या बन जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, तो यहां तुमसे पूछा जाएगा क्या पानी टूटा, नहीं टूटा, तो तुमसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया जो एनएरोबिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो बताना कि उसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 पाया जाता है, स्ट्रोमा लेमेलाई, स्ट्रोमा लेमेलाई, एल से लेमेलाई, एल से लैक, एस से सेकेंड, उसमें क्या पीएस सेकेंड बच्चों नहीं होता है, तो स्ट्रोमा लेमेलाई में तुमसे पूछा गया कौन सी रिएक्शन चलती है, जब भैया पीएस सेकंड नहीं है तो जाहिर सी बात है पीएस वन होगा, तो साइकिल या कौन सी चलेगी, साइक्लिक चलेगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वहां नहीं होगा, नहीं समझे मुझे पता है, नहीं समझे तो जाओ, ठीक है ना, ऑक्सीजन कहां रिलीज होती है ये भी पूछा जाएगा, अब मैं आता हूं C3 साइकिल पे, बताओ C3 साइकिल, अगला मैं C4 की बात करता हूं, C4 तुमसे पूछा जाएगा कितने सेल होते हैं, बताना कि मेसोफिल सेल भी होता है और बंडल शीथ सेल भी होता है, तो बता दे रहा हूं C4 से ही आएगा, तुम ले जाओ, फर्स्ट C4 का जो है CO2 एक्सेप्टर कौन होता है बच्चों, PP होता है, पहला कंपाउंड जब CO2 को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, बता देना OAA बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, अब यहां पे मेसोफिल सेल के अंदर पूछे जाएगा तुमसे कि पर इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहां होती है, तो बताना मेसोफिल सेल में होती है, कहां होती है बच्चों, मेसोफिल सेल में होती है, यही जो है पीपी ने क्या किया बच्चों, CO2 से बाइंड किया, CO2 ने जब बाइंड किया क्या बना दिया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहां आ गया बच्चों, इसमें ट्रांसफर हो गया, ये फर्दर क्या करेगा, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, एक CO2 निकाल देगा यहां पे, अब बताओ यहां पे बच्चों मेसोफिल सेल, यहां पे बंडल शीथ सेल, तो नेचर ने क्या किया था, इसमें क्रैंज एनाटॉमी बना दी थी, C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी का फॉर्मेशन कर दिया था, अब यहां पे नेचर ने रिबिस्को एंजाइम को रख दिया था, यहां पे रिबिस्को एंजाइम को रख दिया था, अब बताओ रिबिस्को एंजाइम जैसे ही CO2 से बाइंड करेगा अगेन कौन सी साइकिल आ गई है, C3 साइकिल आ गई बाबू, C3 साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, तो पूछा जाएगा C4 प्लांट्स में C3 साइकिल चलती कहां है, बताना बंडल शीथ सेल में, रिबिस्को कहां होता है, बताना बंडल शीथ सेल में, पूछा जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन कहां होता है, बताना बंडल शीथ सेल में, कहेगा सेकंड टाइम ऑफ इनिशियल कार्बोक्सिलेशन कार्बन फिक्सेशन कहां होता है, तो बताना यहां, क्योंकि बाबू एक बार तो यहां हो चुका है, तो पहली टाइम CO2 का फिक्सेशन कहां हुआ, फर्स्ट टाइम पूछे तो बताना तुम मेसोफिल सेल, सेकंड टाइम भी होगा ना बाबू, रिबिस्को CO2 से बाइंड करेगा तो सेकंड टाइम कार्बोक्सिलेशन होगा, तो बताना तुम सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्रेब्स साइकिल, पिछली साल क्वेश्चन क्रेब साइकिल से ही आया था, तो इस बार ना है ग्लाइकोलिसिस से आएगा या ETS से आएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज कराऊंगा, बताओ डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्रेब साइकिल, एक स्टेप में एक कितनी बार चलेगी, कितने हो गए, तीन, दो, तीन, छः, तीन, नौ, दो, 11 और एक ये 12, तो अगर तुमसे पूछा जाए बच्चों की डायरेक्ट बताओ ATP कितनी बनती है, इसमें NADH2 सबको लेके डायरेक्ट बनती है सिर्फ दो, ठीक, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइज, बाकी ये लोग जाके ETS में यूज होते हैं तब एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर वो ये पूछना चाह रहा है तो तुम बताना कि जो है एक स्टेप में 12 होती है, दो इस बार जब ये चलती है तो 12 + 12 कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और यहां का ना जोड़ना, यहां भी NADH2 बनता है बच्चों, यहां भी NADH2 बनता है, लेकिन अगर पायरुविक एसिड से पूछे तब तुम बताओगे 30, एक बार में 15, दो बार में 30, नहीं समझ पाए, क्योंकि एक NADH2 बेटा बढ़ जाएगा ना, एक NADH2 क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक, चलो ये तुम्हारा कर ले जाओगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सी रिएक्शन, ETS, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल, ठीक है ना, ETS में बच्चों 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो आप याद रखिएगा, पहला कॉम्प्लेक्स कौन होता है, NADH2, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, FADH2, तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या होता है,
साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, तीसरा चौथा कौन होता है साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, पांचवा कौन होता है AA3 होता है। तो इसका एक स्टेप याद रखना BC1CAA3। इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा कैसे फ्लो होगा BC1C। अब लास्ट में बच्चों हार्मोन पे आ जाओ, हार्मोन में आएगा बच्चों ऑक्सीजन से, किससे आएगा ऑक्सीजन से। अब बताओ ना 2,4-D सिन नहीं याद आया, ना 2,4-D ना 2,4-D सिन, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना। IAA IBA क्या होता है बच्चों नेचुरल होता है, पहली चीज ना 2,4-D सिन, ये क्या होते हैं बच्चों सिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। और जो है आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं IAA IBA। अब बताओ वीड फ्री लांस गार्डन में कौन यूज होता है 2,4-D यूज होता है, ठीक है ना। यूरिन से कौन निकाला गया था, यही निकाला गया था। अब बताओ ये लेटरल ये तो बनाती है राइट कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी सिस्टिक आर्टरी जो गॉलब्लैडर से निकलती है बनाती है बच्चों कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है CBD, ठीक है ना, CBD का। फिर उसके बाद पैनक्रियाज से जुड़ती है तो कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जाके सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडिनम यानी एम्पुला रीजन में ओपन हो जाती है। सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अब्सॉर्प्शन भी स्मॉल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अब्सॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। अब पैराइटल से सबको पता है सीक्रेट करती है HCL और इंटेंसिंग फैक्टर अब्सॉर्प्शन में बढ़ा देता है। प्रोटीओज, अब यही HCL का फंक्शन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, और जो प्रोटीन को जो है तोड़ देता है पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में, जिससे डाइजेशन में हेल्प होता है प्रोटीन के। और सबसे ज्यादा चीज ये याद रखना बच्चों कि जो रेनिन होता है डबल एन वाला वो एंजाइम होता है बच्चों में, सिंगल वाला जो होता है वो हार्मोन होता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो है ब्रीथिंग और एक्सचेंज की बात करते हैं तो बच्चों टाइडल वॉल्यूम सबको पता है 500 ml होती है, इंस्पायरेटी वॉल्यूम जो होती है 2,500 से 3,000 ml होती है, ठीक है ना। एक्सपायरेटी फोर्स वॉल्यूम 1,000 होती है जो, और जो हमारे उसमें बच जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम वो 1,100 से 1,200 होती है, ठीक है ना। ये याद रखना लंग कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी याद रखना, वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये पूछा जाएगा बच्चों PCO2 ज्यादा, टेंपरेचर ज्यादा, H+। उसके बाद बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेट वाला जो आप लोगों ने पढ़ा था कि बोहर्स इफेक्ट, राइट शिफ्ट ग्राफ कब होगा, राइट शिफ्ट ग्राफ तब होगा जब PCO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, PO2 कम, तो राइट शिफ्ट बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहां पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा जो है RBC के अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है ना। WBC में आपने पढ़ा नो लॉन्गर मंकीट्स बनाना, इसका ऑर्डर यही। अगला जो है मसल कॉन्ट्रैक्शंस में एक बात मैं बताऊंगा बस तुमको, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन से सार्कोमियर, कौन कौन सी चीजें जो है रिड्यूस होती हैं, जेड लाइन रिड्यूस जिसको याद रखना, जिसको आई बैंड रिड्यूस, सार्कोमियर रिड्यूस यानी CO से यानी कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या 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 हो जाता है बच्चों रिड्यूस हो जाता है वो याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल का मतलब होता है कि लोअर रीजन यानी कॉक्सल बोन से बना होता है, ठीक है ना। और पेक्टोरल गर्डल का मतलब तुम्हारा स्कैपुला हो गया, और स्कैपुला हो गया और क्लेविकल हो गई, इससे बच्चों स्कैपुला, एस से बच्चों सेकंड, एस से सेवंथ, स्कैपुला की पोजीशन सेकंड से सेवंथ होती है, ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, ये कहां पाई जाएगी, डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है। पेल्विक गर्डल में क्या होता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, जो तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट थे ना बच्चों, वहां की स्पेलिंग अलग कराया था, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, पाइवस जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट सबसे ज्यादा कहां होता है, सिनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है, कार्टिलेजियस उसके बाद करता है, फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट ही नहीं होता है। तो याद रखना गस पापा MSC ग्लाइडिंग कार्पल पाइवट बिटवीन एटलस एक्सिस और मेटाकार्पल सैडल जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल, हिंज जॉइंट नी जॉइंट में होगा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं, नहीं समझ पाए तो पैसा वापस जाओ, ठीक है ना। याद रखना फी से फेस 14 बोन 8 यहां होती है, 320 नहीं 360 चाहिए, 360 में 360 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, इंटरमीडिएट जो होती है बच्चों उससे और ग्लूकागन का सीक्रेशन होता है, इंसुलिन में जो है 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, दो चेन होती है, ए होती है बी होती है, ए में अकीस, ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं, बी में 30 होते हैं, टोटल 51 होते हैं। जिंक इसमें हेल्प करता है मैचुरेशन में, इंसुलिन का काम क्या है ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ग्लूकागन का काम क्या है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना, ठीक है ना। बीटा सेल पैनक्रियास ये रिलीज होता है, ओवरी और टेस्टिस में सबको पता है बेटा ये खत्म होता है हमारी 11th में, शुरू करता हूं 12th प्रोडक्टिव फेस हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पिरिनल प्लांट्स में हम लोग नहीं देख सकते। मैंने बताया था DPD डाइशियस पपाया डेट पाम होते हैं, मोनोइशियस में बताया था MCQ काका कोकोनट कारा ये एग्जांपल होते हैं, बेल्ट बाइसेक्शन में बताया था इनकी वायबिलिटी क्या होती है बच्चों विदिन 30 मिनट होती है, ठीक है ना। जो दूर दूर जैसे सलवार याद रखना, सलवार सोलेनेसी लिलियसी रोसेसी नहीं समझे, इसकी वायबिलिटी क्या होती है 30 डेज होती है, या हम लोग कहे 1 month, सलवार सरल या सलवार याद रखना जो याद हो जाए, सोलेनेसी लिलियसी और रोसेसी, ठीक है ना, 30 डेज। हाँ कुछ तो याद आना चाहिए, यही सब याद आए तुम्हें। अब बताओ मेगास्पोरेंजियम में जब रिडक्शन डिवीजन होगा बच्चों RD होगा या मेगास्पोर मदर सेल में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 3 डिजनरेट। अब इसमें बताओ कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, कितने सेल बने, 2 सेल बने, फर्दर डिवीजन कितने बने, 4 सेल बने, 4 से कितने बने बच्चों 8 बन गए। तो यहां पे सोचो यहां पे एक मियोसिस हुई, यहां पे एक
माइटोटिक एक यहाँ पे, एक माइटोटिक दूसरी यहाँ पे हुई, तीसरी माइटोटिक यहाँ पे हुई, तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन मोनोस्पोरिक है या बाइस्पोरिक, तो बताना मोनोस्पोरिक क्योंकि सिंगल सेल से बन रहे हैं, क्योंकि एक ही सेल फंक्शन था। यहाँ पे तीन तीन एबीसी याद रखना बच्चों, ए बी सी एंटीपोडल सेल्स बेस पे होंगे, कैलाजाल एंड बोलते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, सेंट्रल सेल कहेंगे सबसे बड़ी सेल, यहाँ पे एक सेल्स होंगे, दो होंगे बच्चों सिनर्जिड सेल्स, जो है एक सेल्स क्या होंगे, ये एक सेल है बच्चों, दो सिनर्जिड है, दो सिनर्जिड, यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है, पोलन ग्रेन चले, पोलन ग्रेन चले, यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, यहां से वन ऑफ द सिनर्जिड की वाल को तोड़ते हुए झमाक से पोलन ग्रेन कहां, यानी मेल गैमेट बच्चों कहां आ गए, मेल गैमेट आ गए साइटोप्लाज्म द सिनर्जिड में, यहां जाने के बाद ये कंफ्यूज हो गए, देखा कि एक बहुत बड़ी सेल है, बोला उस पर अटैक कर दो, तो एक मेल गैमेट ने सेंट्रल सेल पर अटैक किया, एक मेल गैमेट ने देखा कि फीमेल बड़ी खूबसूरत दिख रही है एक सेल, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब मेल का मिलन जब फीमेल से हो रहा है तो जायगोट बनेगी, जब सेंट्रल सेल का मिलन जो है मेल गैमेट से हो रहा है तो क्या बनेगा, इंडोस्पर्म सेल्स बनेंगे। अब ये इंडोस्पर्म सेल बताओ थ्री एन हो गए ना, थ्री एन को हम लोग बोलेंगे इंडोस्पर्म, तो पूछा जाएगा ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, तो बताना चिल्ला चिल्ला के वहां इंडोस्पर्म बनेगा, थ्री एन पोलैरिटी होगी उसकी। पूछा गया तुमसे कि बताओ एक सेल से क्या बनेगा, बोले जायगोट बनेगा, बोले इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वाहिद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। किसकी, एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म की पोलैरिटी बता दो आज इसी बात पे कितनी होगी बच्चों, एन होती है, हाय 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 हाय, जिम्नोस्पर्म की पोलैरिटी इंडोस्पर्म की एन होती है जबकि एंजियोस्पर्म की थ्री एन होती है, यह बात याद रखना बाबू। उसके बाद यहां पे अगर तुम देखो तो कितने सेल, याद है सेवन सेल देखो बाबू, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल, तो सेवन सेल, न्यूक्लियस आठ, न्यूक्लियस कितने आठ, गिन लो बाबू, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, पांच न्यूक्लियस, छह न्यूक्लियस, सात न्यूक्लियस, आठ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितने आठ हो गया, पॉलीगोनम टाइप याद रहेगा। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है, यहीं पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को। एक क्वेश्चन ले जाओ यहां से, ले जाओ तुम, उसके बाद चास्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस, क्लेस्टो ग्रास हो सकती है, ठीक है ना, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी, ज़िनोगैमी पढ़ा होगा, ज़िनोगैमी ये सब मेरे ख्याल से पता है, पिछले लेक्चर भी मैंने कल ही लेक्चर लिया था इसमें मैंने बताया था। यस जिम्नोस्पर्म में बेटा एन होगी, हैप्लोइड 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 अफीफा हैप्लोइड अगेन। अब बताओ इमैस्कुलेशंस और बैगिंग में क्या होता है, इमैस्कुलेशंस, अब एल्बुमिनस सेल, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं तुम्हें, लास्ट चीज जो ओवर रिलीज किया, अब यानी जब इस क्या लूट गया, इसका ओवर लूट गया, तो अब एलएच, अब एलएच क्या करेगा, एलएच का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम है बच्चों। अब कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, पी से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर 14 दिन बाद इसकी लाइफ स्पाइन 7 से 14 दिन होती है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट होता है तो बोलते हैं उसको कार्पस एल्बिकेंस, क्या प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा भी टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। कार्पस ल्यूटियम टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए है। अब प्लेसेंटा कितने दिन तक रह सकता है, 9 महीने। फॉर्मेशन इसका दूसरे वीक, फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है लेकिन दूसरे वीक में जाते जाते। अब ये सीक्रेट क्या क्या करता है, एससीजी एचपीएल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है, फर्स्ट महीने में। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था जो है, अच्छा बताओ ट्यूबेक्टमी वैसेक्टमी कहां करते हैं, ट्यूबेक्टमी फिलोपियन ट्यूब को काटेंगे फीमेल में, अच्छा वैसेक्टमी किसमें करेंगे, मेल में करेंगे। सेक्सुअली एमटीपी परफॉर्म कब किया था बच्चों, एमटीपी 1970 बी हो गया। ये सारी की सारी बीमारी क्या होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पिछली बार आया था। अब उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को वेनेरियल डिसीज में गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। ये सारी की सारी बीमारी क्या होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पिछली बार आया था, इस बार आएगा जिफ्ट से आएगा, गिफ्ट से आएगा। अब बताओ जिफ्ट क्या होता है बच्चों, जाइगोट बेस शुगर फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। जब बेस और शुगर सिर्फ होते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं उसे, फास्फेट जुड़ता है फास्फेटिलेशन बॉन्ड से, बेस जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब बताओ जी इज इक्वल टू सी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ए इज इक्वल टू टी से जुड़ते हैं, प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ेगा, प्यूरीन में तुमने पढ़ा था पाजी एडिनिन और ग्वानिन पढ़ा था, और सर उसमें पढ़ा था बच्चों कट कट पिरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल थायमिन पढ़ा था, एंड देन हम थायमिन 5 मिथाइल यूरेसिल, एंड देन हम थायमिन 5 मिथाइल यूरेसिल। एक सवाल पूछ लेता हूं तुमसे कि बताओ बच्चों ये डीएनए का हेलिक्स है तो कितने बेस होंगे, तुम लोगों को पता होगा 10 बेस पेयर होंगे, समझ गए। अगला क्वेश्चन तुम्हारा जेनेटिक कोड से आएगा, किससे आएगा बच्चों, जेनेटिक कोड से आएगा। जेनेटिक कोड में याद रखना इसके पांच फीचर्स, आओ जी जाओ जी इनिशिएटर कोडान होते हैं, उगा उआ उआ टर्मिनेटर कोडान होते हैं, एक जो है अमाइनो एसिड कोडान ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडान होते हैं, तीन कोडान जो है क्या हो जाते हैं हमारे खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। एक कोडान कोड करता है ओनली वन अमीनो एसिड को, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेसिफिक बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे अमीनो एसिड कोड करते हैं बहुत सारे को, तो हम लोग बोलते हैं डिजेनरेट, क्या बोलते हैं डिजेनरेट, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा आरएनए रो मत याद होगा, रो मत 1 2 3 रो मत यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए को करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को करता है कोड, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लाइकोपेरान से क्वेश्चन नहीं आएगा, पिछले साल आया था बेटा, अगर याद हो आप लोगों को
ठीक है ना। इस बार क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। सबसे बताओ कितने जीन हमारे होते हैं, 30,000 जीन होते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है, डिस्टॉफिन, 2.4 मिलियन होते हैं, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब आ जाओ आगे, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में बच्चों होमोलॉगस एनालॉगस से क्वेश्चन आएगा। होमोलॉगस एनालॉगस, होमोलॉगस को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस मतलब सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है ना। जैसे टेंड्रिल्स और थान्स अगर तुम देखो, ये सब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, लेकिन फंक्शंस अलग अलग। टेंड्रिल का फंक्शन चढ़ने का है और स्पाइंस का फंक्शन बचाने का है। ऑक्टोपस और हमारी आई सेम फंक्शन है देखने का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। एनालॉगस के एग्जांपल हो गए, पोटैटो तुम ले लो और पोटैटो ले लो, स्वीट पोटैटो ले लो, पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो क्या है बेटा, रूट है। तो दोनों का काम स्टोरेज का है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। नहीं समझे, ये सवाल एक आएगा तुम लगा लेना। अगला सवाल तुम्हारा आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा कि 15 माया में क्या हुआ, 2 माया में क्या हुआ। हार्डी वीवर प्रिंसिपल से भी बेटा पढ़ लेना, हार्डी वीवर प्रिंसिपल। हार्डी वीवर प्रिंसिपल में तुमको देगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, सबको पता है 1 होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। पी को हम लोगों ने क्या कहा था, कैपिटल है, कैपिटल है। क्यू को क्या कहा था, हार्डी वीवर प्रिंसिपल पे। हार्डी वीवर प्रिंसिपल जो है बच्चों, 5 बातें थी, 5 फैक्टर्स ऑफ हार्डी वीवर प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। जीन म्यूटेशन पढ़ा होगा, जीन माइग्रेशन पढ़ा होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा होगा, और जो है नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है ना। 5 तरीका होता था, ये याद रखिएगा बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम लोग साल पे बात करते हैं। 15 माया में ड्राफ्ट थीकस रामाफिथीकस आए, है ना। 3-4 टाइट हो जाएगी, विराल टेस्ट होता है, निमोनिया में पड़ा होगा, नीचे वाला इन्फेक्ट होता है, नीचे वाला मतलब एल्वेलाई इन्फेक्ट होती है निमोनिया में, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड में ऊपर वाला इन्फेक्ट होता है। निमोनिया जब हो जाती है तो फीवर, चिल्स, राइगर, कलर बताओ ग्रे टू ब्लू होता है या ब्लू टू ग्रे, ग्रे टू ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। याद है कि नहीं याद है, राइनो वायरस कराता है, मलेरिया में आप लोगों ने पढ़ा, मलेरिया से पिछले साल क्वेश्चन आया था, इस साल छोड़ दो, ठीक है ना। इंटरमीबा हिस्टोलॉजिकल लार्ज इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है, इसको ट्रांसफर कौन करता है बच्चों, मक्खियां ट्रांसफर करती है इस बीमारी को। उसके बाद आपने पढ़ा एस्केरियासिस, एस्केरियासिस कौन कराता है, राउंड वर्म कराता है। इसमें क्या होता है, इसके स्टूल्स बच्चों इन्फेक्टेड होते हैं। आपने वेजिटेबल सही से नहीं धुल के खाया तो आपको हो सकता है। आपने पढ़ा होगा डब्लू मलाई, पढ़ा होगा नाम तो बड़ा अच्छा लेकिन काम बड़ा खराब। डब्लू मलाई उच्चैया बैंक्राफ्टाई, ये कराते हैं लिम्फाइटिस करा देते हैं। लोअर लिम्फाइटिक रीजन अफेक्ट होता है बेटा, नीचे वाला पार्ट अफेक्ट होता है। तो स्वेलिंग कहां कहां होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम समझ जाना स्वेलिंग कहां कहां होगी, ठीक है ना। इसके बाद फंजाई की बात करते हैं। मैंने पढ़ाया था तुम्हें टर्म, टर्म पढ़ाया था ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, रिंगवर्म, माइक्रोस्पोरम, इन्फेक्शंस कराते हैं। तो ये खुजली कहां कहां होती है तुम्हें पता है, ये कहां कहां खुजला है मैं नहीं बताऊंगा। अब उसके बाद बच्चों हम लोग बताते हैं इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, और एक्वाडी आएगा मोएट से, मोएट से क्वेश्चन आएगा, ले जाओ मोएट मल्टीपल ओवुलेशन इम्यूनो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी गाय भैंस तुम्हारी है तो एक ही एक देगी एक साइकिल में, लेकिन एफएसएच के हार्मोन तुमने उसको क्या किया, दे दिया, तो कई अंडे निकलेंगे। जब 6 से 8 जो है एक सेल निकलते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करते हैं 8-32 सेल स्टेज में, 8-32 सेल स्टेज में नॉन सर्जिकली उसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ये बात याद रखना, एपिकल्चर जो होता है बच्चों इससे बहुत फायदा होता है। हनी तो मिल ही रही है, हनी खा के जाना सब लोग, एनर्जी बिल्कुल झमाझम होगी। वहां चीज स्पेसिफिक होता है, पैरेंडोम गटक गटक घटक पिछली बार आ चुका है, इस बार नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बार आएगा ये तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग कौन सी जेल यूज करते हैं बच्चों, एग्रोस जेल का हम लोग यूज करते हैं। एग्रोस जेल, एग्रोस जेल कहां से निकाली गई थी, सीवीड्स का नाम सुना है, सीवीड्स कहां से, रेड अल्गा से, रेड अल्गा में पकौड़े गरम, पकौड़े गरम पड़ा है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो बैक्टीरिया फंजाई अल्गा होते हैं उससे निकाला गया था। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते तो हम लोग लैंप लगाते हैं, लेकिन नॉर्मल लैंप नहीं, यूवी रेस का इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डालते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, कैसा ब्राइट ऑरेंज कलर का, फिर हम लोग उसको आई से निकाल लेते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इल्यूशन, क्या बोलते हैं इल्यूशन, याद रहेगा। पीबीआर 322 मैंने समझा दिया था, दो जीन है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट और एम्पिसिलिन, बीटा इंसर्शन इनएक्टिवेशन जब करते हैं तो बच्चों जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट बनता है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता, रिकॉम्बिनेंट वाला कलर प्रोड्यूस करता है। अगर बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का हम लोग यूज करते हैं बच्चों, किसमें, क्राउन गार्ड ट्यूमर डिसीज करा देता है, तो सबसे पहले हम लोग इसके एनिमल में, एक होता है बच्चों गन मेथड, क्या होता है जीन गन और बायोलिस्टिक गन से हम लोग शूट करते हैं प्लांट को, हाई वेलोसिटी होती है, गोल्ड टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग हीट करते हैं। अब बताओ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीएज एंजाइम लाओ, काइटिन को डाइजेस्ट करना है, काइटिनेज लाओ, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, सेलुलोज लाओ, डीएनए को डाइजेस्ट करना है, डीएनएस लाओ, आरएनए को डाइजेस्ट करना है, आरएनएस लाओ, है ना। बैक्टीरिया को मारना है, लाइसोजाइम लेके आओ, पीसीआर तुमने सुना होगा, 3 स्टेप होते हैं, डेट, डीनेचुरेशन, ए से एनीलिंग, टी से टैग पॉलीमरेज, बी से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि बताओ टैग पॉलीमरेज किसके किसके बीच में यूज होता है, तो याद रखना डेट, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, टी से टैग पॉलीमरेज, तो एनीलिंग और एक्सटेंशन के बीच में 1 बिलियन कॉपीज बनती है इसमें, है ना। चलिए जिसमें हम लोग बहुत सारी बीमारियों को भी चेक कर सकते हैं, ये भी पढ़ लिया, ठीक है ना। आगे आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं, बीटी कॉटन अगेन आ गया, लेतु और कूल भी, इसमें एक्सटेंशन, ठीक है ना, लेतु और कूल भी, बीटी टॉक्सिन जो होता है भाई, सेकंड ए भी, अब ये सेकंड, और तुम कॉटन बॉल वार्म, बॉल वार्म देखो, बॉल वार्म, बॉल वार्म लो, ये एल है, बॉल वार्म देखो, इसे मिल रहा है, मैच करा देना, ऐसे ही आएगा, धीरे चिपका देना वहां, ठीक है ना। देखो क्राई सेकंड ए भी, ये एल एल है, एल एल बिल्कुल इसकी तरह मैच कर रहा है ना, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग आरएनएआई का यूज करते हैं बच्चों, आरएनएआई को हम लोग इन्फेक्शन को क्या करते हैं, बचाने में यूज करते हैं, आरएनए आई इंटरफेरेंस, जिसमें हम लोग डबल एग्रोबैक्टीरियम के इंसुलिन, इंसुलिन हमने बताया था, डीएनए ओपनिंग में हेलिकेज यूज होता है बेटा, ठीक है, ले जाओ तुम ये भी ले जाओ। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है सबसे पहले हम लोग स्टार्टर कट आउट से निकालते हैं, लेकिन वो क्या करा रहा था, एलर्जी करा रहा था, इसमें 3 चेन होती है, ए बी सी होती है, ड्यूरिंग मैचुरेशन के दौरान सी चेन रिमूव हो जाती है, ए और बी, 21 बी में 30 टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां पाया जाता है, एंटीबॉडी में भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब इंसुलिन का काम क्या है, बीटा सेलापन से रिलीज होता है, ग्लूकागन के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। उसके बाद एडीएडी इम्यूनो डिफिशिएंसी जो है 5 साल की बच्ची जिसका नाम था सांतापी, उसमें हो गई थी, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों, बेले 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 कैसे करते हैं, स्टेप क्या है, बेले बेले, पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, सक्सेस नहीं हुआ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की नहीं सक्सेस, लिम्फोसाइट कल्चर कराया नहीं सक्सेस हुआ, सक्सेस हमेशा कब होगा, इम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, इम्ब्रियो यानी कि स्टेज में हम लोग करेंगे तब जाके सक्सेस होगा। उसके बाद हमने बताया कस कस
कन्वेंशनल मेथड जो था यूरिन और सीरम एनालिसिस, यूरिन और सीरम एनालिसिस कन्वेंशनल था, पुराना मेथड था, लेकिन अगर फास्ट मतलब रैपिड डायग्नोसिस करना है तो हम पीसीआर करेंगे बेटा, हम इलाइजा करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे इलाइजा करेंगे, पीसीआर करेंगे, अगर हमें तुरंत जो है डायग्नोसिस बना के जो है हमें चाहिए तो हम अर्ली डिटेक्शन के लिए हम ये वाला यूज करेंगे। पीसीआर का मतलब पॉलीपल चॉइस रिएक्शन बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे किसमें करते हैं, एड्स में भी करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना, पूछा जा सकता है बेटा, इसके बाद कोई वो नहीं आएगा आपसे। इसके बाद जो है टेम्परेचर से पूछा जाएगा, सब मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है बच्चों, तो मॉर्फोलॉजिकल होता है, बिहेवियरल होता है, बिहेवियरल एडैप्टेशन दो, एक होता है वार्ब्लर्स बर्ड, वार्ब्लर्स बर्ड ये आ सकता है, माइक आर्थर साहब ने कहा था, दूसरा एक लिजर्ड होती है जो अपनी स्किन को बास करती है, सुबह सुबह टेम्परेचर जैसे दोपहर का होता है ये जाके छुप जाती है, या तो रेगिस्तान की मिट्टी में घुस जाएगी या तो चली जाएगी पौधों के नीचे, है ना, ये हो गया बिहेवियरल का। दूसरा मैंने बताया फिजियोलॉजिकल का बच्चों, एक तुमने नॉर कंगारू रैट पढ़ा होगा, उसका लार्ज हैंड लूप होता है तो बहुत ही ज्यादा ये क्या करता है, उसका फैट का ऑक्सीडेशन करके अपना इंटरनल फैट बाई प्रोडक्ट उसका क्या होता है वाटर होता है, उससे अपना काम चलाता है। फिजियोलॉजिकल एडैप्टेशन में एल्टीट्यूड सिकनेस आ जाएगा, तुम तीन से मोर देन 3.5 किलोमीटर ऊपर जाओगे, चाइना में तिब्बत पहाड़ है उसके ऊपर जाओगे या कहीं भी 3.5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो तुम्हें सांस की प्रॉब्लम आएगी, सांस फूलेगी, सारे हीमोग्लोबिन बढ़ जाएंगे, रिस्पायरी रेट बढ़ जाएगा, अनकॉन्शियस भी हो सकते हो, डेथ भी हो सकती है, सारी आरबीसी बढ़ जाएगी, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, वेरा कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना, चलिए मेरे ख्याल से समझ गए। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेटिलिटी से, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें बच्चों, वर्ल्ड हैज लास्ट पल्स लॉजिस्टिक कर्व, वर्ल्ड हैज लॉजिस्टिक ग्रोथ से क्वेश्चन आएगा, इसके डीएनए अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर के रिलीज पढ़ा होगा आपने, कंपिटेटिव रिलीज का मतलब है कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है, सुपीरियर स्पीशीज हमेशा हावी होगी, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। एक होता है कंपिटेटिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है खाना बहुत ज्यादा है, खाना जब बहुत ज्यादा है बेटा तो एक खाएगा दूसरा डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। मैक आर्थर साहब ने कहा था कि जो है एक साथ कई स्पीशीज रह सकती हैं, एक साथ कई स्पीशीज रह सकती हैं, लेकिन अपने बिहेवियर में चेंज किया खाने की, फाइव वार्बलर बर्ड्स थी, कितनी थी, फाइव वार्बलर बर्ड्स थी। गॉस ने कहा कि हमेशा कंपटीशन सेम स्पीशीज, नीट वाले बच्चों में ही होगा, लेकिन नीट वाले बच्चे जेई वाले बच्चों से भी रखते हैं कि वो हमारे चाचा का लड़का सेलेक्ट हुआ है तो हम भी सेलेक्ट होंगे, तो फिर वहां पर देखा गया कि एक फ्लेमिंगोज बर्ड है, एक फिश है, दोनों जू प्लैंकटन के लिए, बर्ड अलग फिश स्पीसीज अलग, दोनों एक फूड के लिए, कंपटीशन दूसरे लोगों में भी देखा गया, नहीं समझे। पैरासिटिज्म में क्या होता है बच्चों, दोनों का घाटा होता है, कंपटीशन में नहीं, पैरासिटिज्म में एक का फायदा एक का घाटा। अब बताओ बहुत सारी फिशेज होती हैं पैरासाइट में, अब हमारे अंदर बताओ एक बैक्टीरिया चला गया, सिर्फ ट्रांसफर होती है ना, स्टैंडिंग स्टेट जो होती है बच्चों, स्टैंडिंग स्टेट एक होती है, स्टैंडिंग क्रॉप होती है। अब बताओ कोई स्टेट अगर है, स्टेट लिविंग होगा, स्टेट नॉन लिविंग होता है, क्रॉप यानी फसल लिविंग होती है। तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सॉइल कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट, मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द क्रॉप प्लांट कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है ना, स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग, स्टैंडिंग स्टेट नॉन लिविंग, याद रखना बेटा, ठीक है ना। 10% एनर्जी का हमेशा अपराइट आएगा, एनर्जी का हमेशा अपराइट। सक्सेशन की मैं बात करता हूं बच्चों, प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन हमेशा जो है बच्चों कार्बन साइकिल, मैंने बताया था 4 × 13 केजी कार्बन फिक्स होता है एनुअली फोटोसिंथेसिस में, 71% ओशन पाया जाता है, 1% एनवायरनमेंट पाया जाता है, और 28% रॉक में पाया जाता है। यही CO2 हर ऑर्गेनिज्म निकाल रहा है, प्रोड्यूसर हो कंज्यूमर हो, न्यूट्रिएंट्स नापते हैं। ओजोन लेयर जो है कौन बताओ, ओजोन लेयर को चेंज होता है। अब बताओ सबसे हंसेंगे इसी वजह से, अब बताओ ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, लार्ज होल है, कितना टेम्परेचर बढ़ गया था बच्चों, 0 डिग्री, इल नीनो इफेक्ट क्या होता है और क्लाइमेटिक चेंज होता है। अब बताओ सबसे अच्छी ओजोन कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में बैड पाई जाती है, किसे नापते हैं, डॉप्सन यूनिट से नापते हैं। ओजोन लेयर जो है कौन बताओ, ओजोन लेयर को कौन डैमेज कर रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें क्लोरीन से, यानी रेगुलेशन की बात करें तो दोनों सही होंगे। ये देखिए आप गार्बेडर देख ही रहे हैं, यहां से बच्चों एक क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए, ये सारी की सारी चीजें आप याद करिएगा, पाथवे, ठीक है ना, पार्ट नहीं है। ये देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक एयर में बच्चों कितनी है ऑक्सीजन, 159 मिलीमीटर, एल्वोलाई में कितनी हो गई, 104 हो गई, डी ऑक्सीजन ब्लड में 40, ऑक्सीजन ब्लड में 95, टिश्यूज में 40, फर्दर यहाँ से मोमेंट होगा, बताइए टिश्यू साइड में अगर देखें CO2 कितना है बच्चों, 45 है, ऑक्सीजन ब्लड में 40, डी ऑक्सीजन ब्लड में 45, तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन वाली साइट ज्यादा जहाँ पे डोमिनेंट होगी ऑक्सीजन, जैसे एल्वोलाई में क्या भरा पड़ा होता है बच्चों, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, 95% ऑक्सीजन एल्वोलाई है, 104 आपको दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊँ, हमेशा मैंने बताया था कोई भी चीज हाई से लो जाती है, बस यही एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, हाई से लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो बताइए इन्वायरमेंट में कितना है बच्चों, 159, इसके बाद आपका क्या आएगा, एल्वेलाई आएगा, एल्वेलाई के बाद यही गैसेस कहाँ जाएंगे बच्चों, ब्लड में जाएंगे, ब्लड में कौन सा ब्लड, अच्छा ब्लड, अच्छा ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, 105, 95, इसके बाद आप आएंगे आगे तो आपको कम होती हुई क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, फिर ये टिश्यूज आ जाएंगे, टिश्यू क्या करेंगे इसको यूटिलाइज करेंगे, टिश्यू मायासिनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फटीग, ठीक, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स हो जाती है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, जेनेटिक डिसऑर्डर है, टिटेनी में हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहते हैं,
अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा इस पेज से 100% नीट 2021 में एक क्वेश्चन यहां से आना है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स, एंजाइम्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ से मैचिंग क्वेश्चन, एज पर गिलस नाइगर फंगस है, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ब्यूटायरिक एसिड्स, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बेटा अगर, तो मैचिंग के आएंगे, किसके मैचिंग के क्वेश्चन। ईस्ट सैक्रोम सब पढ़ चुके हो अभी, कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स लाइक लाइपेसेस, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। लाइपेसेस आर यूज फॉर डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल फ्रूट जूसेस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस का यूज करके, हम लोग जो मार्केट में आता है बच्चों वो क्लियर होता है बिल्कुल फ्रूट जूसेस, क्योंकि पेक्टिनेस प्रोटीएसेस का यूज होता है। और लाइपेसिस का यूज किस में होता है बच्चों, अब देखो ऑयल क्या है, फैट है, फैट को लिपिड बोलते हैं, तो एंजाइम कौन सा चाहिए, लाइपेस चाहिए रिमूव करने के लिए। अरे दावत ववत में चले गए हो, हाँ के खाना खाया हो, सालन वालन गिर गया है, इस पर ग्रेवी उसकी गिर गई है, तो तुम उसको लॉन्ड्री भेजोगे किससे रिमूव करेगा, लाइपेस से। चिकन्स बेटा जो आने वाले हैं वो आएंगे क्लोनिंग साइट्स, पीबीआर 322 को मैं डिस्कस कर लूँ, पीबीआर 322 से क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन यहाँ से आएगा पीबीआर 322 से बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से देखो प्लाज्मिड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, कौन सा जीन है बच्चों, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। अब ये है बच्चों टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, तो दो बातें बहुत दिमाग लगा के समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की बात करते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, अब यहाँ पे इसको क्या बोलोगे बच्चों, यहाँ पे बताओ मैंने कुछ ऐड किया क्या, नहीं ऐड किया, तो इसको रिकॉम्बिनेंट बोलोगे या नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये इस वक्त है बच्चों नॉन रिकॉम्बिनेंट, कितने लोग रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट अभी तक नहीं जानते हैं। क्या मैंने कोई जीन यहाँ पे ऐड किया बच्चों, नहीं किया, तो इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट को अगर मैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में मैंने डाल दिया तो ये क्या मर जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में इस वक्त क्या है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन मौजूद है। जब एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन मौजूद है तो इसकी डेथ नहीं होगी, ये रेसिस्टेंट होगा यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होगा बच्चों, ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैंने कोई जीन इंसर्ट कर दिया, क्या किया बच्चों, जीन इंसर्ट कर दिया मैंने, ये देखो जीन इंसर्ट कर दिया। अगर मैं यहां पे टेट्रासाइक्लिन वाले पार्ट्स पे जीन को इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कैरेक्टर मैंने ऐड किया इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों रिकॉम्बिनेंट। अब बताओ जब मैंने ये जीन ऐड किया तो पहले वाले जीन के पूरे पूरे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, जीन के सीक्वेंस चेंज होने की वजह से अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट बताओ उस पर टेट्रासाइक्लिन जीन चेंज हो गया तो क्या वो जीन पहले वाला रह गया एम्पीसिलिन, सॉरी बच्चों एम्पीसिलिन ले लीजिए यहाँ पे, ये एम्पीसिलिन वाली बात हम लोग कर रहे हैं ना, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट वाली बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट। इस वाले जीन पे देखो एम्पीसिलिन वाली बात करें तो एम्पीसिलिन, अब बताओ ये क्या हो गया बच्चों, रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो अगर ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट, और इस पे जीन का सीक्वेंस चेंज हुआ तो वो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट वाला भी खत्म हो गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट की क्या हो जाएगी बच्चों, डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की बात करें, तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में क्या होगा, बहुत दिमाग लगा के समझिएगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस वक्त मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया टेट्रासाइक्लिन वाले सेगमेंट में, तो ये क्या इस वक्त नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्या है बच्चों नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बताओ इसके पास क्या मौजूद है इस वक्त, नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन में रेसिस्टेंट है टेट्रासाइक्लिन, तो ये क्या करेगा बच्चों, ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा। अब मैंने यहाँ पे कोई जीन लाके इंसर्ट कर दिया टेट्रासाइक्लिन वाले में, तो पहले से जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया, अब जो एमपीसी इस पे रेसिस्टेंट की पावर थी, रेसिस्टेंट की पावर खत्म हो गई, तो ये बन के आ गया, जब मैंने कोई और जीन ऐड किया तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नॉट ग्रो, रिकॉम्बिनेंट नॉट ग्रो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूर याद रखिएगा, अगर आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है एमपीसीलिन पे, पीएसटी1 पीवी1 इक्वल 1:11 हाइंड थर्ड बायमैच 1 साल्वेंट टेट्रासाइक्लिन पे, रोप क्या होता है एक प्रोटीन होती है, यहां से देखिए मां करिए, ये रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इनवॉल्वड इन द रिप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ओआरआई से क्या होता है बच्चों, यहां पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। रोप बहुत छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, हो सकता है वही पूछ ले,
छोटे पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो पीवीआर 32 के बारे में वही बातें लिखी हुई है बार-बार ही। अगर सिलेक्शन द रिकमेंडेड जीरो एक्टिवेशन द एंटीबॉडी समझ सकते हैं कि रिवाइज समझ लेते हैं टू ब्लेड्स हैविंग डिफरेंट एंटीबॉडीज देयरफॉर अल्टरनेटिव सर्कुलर मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नॉन रिकमेंडेड एंड लूज आर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। अब कह रहा है कि जब कलर के बेसिस पर हम लोग रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड को चेंज करते कैसे करते हैं, इन दिस रिकमेंडेड इज इंसर्टेड इन द कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज द रिजल्ट इन एक्टिवेशन द एंजाइम रिफर्ड विद इंसर्शन इन एक्टिवेशन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर क्रोमोजेनिक इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट। अगर नॉर्मल कंडीशन में ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐड कर दे रहे हैं वहाँ पे कोई जीन ऐड कर रहे हैं तो जो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज है ये इनएक्टिव हो जाता है, जो कलर नहीं प्रोड्यूस होगा, जिससे हम लोग पहचान लेंगे कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है ना, मान लीजिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, अगर मैं यहाँ पे कोई जीन इंसर्ट कर दूँ तो ये एंजाइम क्या हो जाता है, इनएक्टिव, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो गया ना बेटा, तो एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो ये रिकॉम्बिनेंट में रिकॉम्बिनेंट कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट कलर प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा इस पे आ सकता है आपका, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ड्रग बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत सारे जो है जीन को रिप्लेसमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हम लोग कैंसर का कर सकते हैं, बहुत सारी डायग्नोस्टिक भी होते हैं, ठीक है ना, थेरेप्यूटिक भी होते हैं, ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी क्या है बच्चों, जैसे वाइन बियर इसकी ब्रांडिंग हम सब कार्ड वर्ड सब बना सकते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि एग्जांपल एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनिटी को कम कर देता है, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, एक और हार्मोन मिल गया आपको कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करता है आरबीसी, तो तीन हार्मोन हो गए, एक हो गया बच्चों थायराइड, दूसरा हो गया इरिथ्रोपोएटिन, तीसरा हो गया कॉर्टिसोल, क्या करेंगे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, आल्सो कह रहा है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सेक्शन द केप्लेस एंड फॉस्फेट, एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक रिसेप्टर, सबको पता है कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे वर्क करता है और ये रीअब्सॉर्प्शन करता है सोडियम और वाटर का, पैनक्रियाज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं जरूर पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, यूज, जब जो है रिसोर्सेस क्या हो, अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेस क्या हो बच्चों, अनलिमिटेड हो, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ और द अर्ली रिसोर्सेस द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज हैव एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनहेरेंट पोटेंशियल्स टू ग्रो नंबर्स दैट हैव बीन ऑब्जर्वड बाय डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन पॉपुलेशन ग्रो इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता डीएनए क्वांटिटी बी माइनस डी, आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बर्थ माइनस डेथ होता है, आर इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, तो हम लोग यहां पे डीएनए क्वांटिटी इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, आर का इंटेंसिटी रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि जो है ये एक्सपोनेंशियल कर्व हमें मिले, जे शेप कर्व होता है, ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पॉपुलेशन बहुत अच्छी ग्रो करे धीरे धीरे, अब इंडिया में देख लो सभी को खाना नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व हमारा जी आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है बच्चों, लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लैग लॉग और स्टडी फेस आएगा डीएनए क्वांटिटी के माइनस एन बाई के, ये भी बेटा हो सकता है ये आ जाए डीएनए क्वांटिटी आर के माइनस एन बाई कनक, कनक याद है ना, के माइनस एन बाई के, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है लॉजिस्टिक ग्रोथ बस हाउस फास्ट, ये देखो ये यही पूछा जाएगा इक्वेशन पैरासाइटिस, ये देख लो यहाँ से क्वेश्चन पक्का है बेटा, 2020 में एक क्वेश्चन आएगा, चाहे अब सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि पैरासिटिज्म से आएगा या कंपटीशन से आएगा, ये दो मुझे बहुत लग रहे हैं कि इससे आएगा, ठीक है ना, अब बताओ म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा, कंपटीशन में दोनों का घाटा, प्रेडेशन में एक का फायदा एक का घाटा, पैरासिटिज्म में एक का फायदा एक का घाटा, कमेंसलिज्म में एक का फायदा एक का घाटा, अमेंसलिज्म में एक का घाटा एक का फायदा। अब हम लोग सबसे पहले बच्चों प्रेडेशन की बात करते हैं, जैसे ही प्रेडेशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में डियर और लाइन का एग्जांपल चलना शुरू हो जाता है, एरिया और टाइम पीरियड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वेट जी माइनस टू और एनर्जी किलो मीटर माइनस रेट ऑफ बायोमास प्रति सेल प्रोडक्टिविटी। अब जो है इसमें पिछले साल क्वेश्चन आया था बेटा यहाँ से, पिछले साल नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, लेकिन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, एनपीपी क्या है, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंसम्पशन ऑफ हेटरोटॉप्स, ठीक है ना, अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंसम्पशन ऑफ हेटरोटॉप्स, ये किस बात पे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, इसके द्वारा कंडोम के बारे में आप नहीं पूछ सकते हैं, आईओडी के बारे में हो सकते हैं पूछने, क्योंकि तुम लोग जो चीज पूछने जाते हो उसके बारे में बहुत नॉलेज रखते हो, हाँ कंडोम उन्होंने पूछा नहीं जाएगा, उसमें तुम लोग नॉलेज बहुत रखते हो, पढ़ के बैठे हो सब खूब डिटेल, लेकिन हो सकता है पूछा ही ना जाए तो फायदा क्या, तो ऐसी चीज़ जो पूछी जाए आपसे। आईओडी की बात करें तो ये सबको पता है कि आई से बच्चों इंडिया में है ना, एक आई से आइडियल, ठीक, यू से यूटेरस, में डी से डॉक्टर के थ्रू, एन से थ्रू हम लोग इसको इंसर्ट कराते हैं, आपको मैचिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है ना, कि कॉपर कंटेनिंग बता दीजिए, नॉन स्टेरॉइडल की अगर बात करें, नॉन मेडिकेटेड, ठीक, नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो मैंने बताया नल, याद रखना लिप्स लूप, क्या लिप्स लूप, ठीक है ना, कॉपर रिलीजिंग में हमने बताया था कॉपर रिलीजिंग कट कस मल्टीलोड 375 याद आ रहा है सभी को, हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरोन और एलएनजी 20, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन से मिल सकते हैं। पिल्स का बाकी सबको पता है कि मेंस्ट्रुएशन आ चुकी है, उसके बाद से आप यानी 3 to 5 डेज, इसके बाद से पिल्स आप स्टार्ट करिए, पिल्स की 21 दिन तक गोली आप खानी है।